हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपके अनु व्लॉग्स। तो जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग के काम मेरे हो गए हैं, ये कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जी एक काम ख़त्म कर लेते हैं। प्रेस का काम भी मुझे बहुत बड़ा लगता है, तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ। ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं अगर एक साथ करने बैठो ना, तो बस कमर ही टूट जाती है। तो इसलिए मैं एक साथ नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़ों पे कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने कल कर दिए थे और कुछ कपड़े मेरे ये अभी रखे हुए हैं, इनको मैं प्रेस कर लेती हूँ। अपने कपड़े तो मैं एक बार को छोड़ भी देती हूँ, लेकिन हस्बैंड के कपड़े और बच्चों के कपड़े, तो इन पे तो ज़रूर से ज़रूर प्रेस चाहिए। तो इनके तो जब मैं साथ के साथ ही कर दूँ ना तो ही अच्छा है, वरना तो फिर एक बार तय बना के रखो, फिर वापस से निकालो, फिर उनको प्रेस करो, मतलब डबल काम हो जाता है। तो इसलिए मैं सारे कपड़े अभी प्रेस करके रख देती हूँ। ये तंशु की टी शर्ट है, उसकी फेवरेट है ये, ज़्यादा से ज़्यादा इसी को पहनता है वो, तो इसको भी मैं प्रेस कर दूँगी। और ये मैं उल्टी तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट की तरफ ना मैं फिर मतलब पीछे की तरफ करके प्रेस, और फिर फ्रंट साइड से तय बना दूँगी इसकी, तो बहुत इजीली हो जाती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो जी आज बेड में देखने लग गई मैं गर्म कपड़े, तो गर्म कपड़े तो जो मैं ढूंढ रही थी वो नहीं मिले, बट बहुत सारा नुकसान हो गया। यहाँ पे सामान रखा हुआ था इस बेड के अंदर जो मैंने अभी निकाला है, इतना सारा कटा हुआ सामान है, चूहिया काट दिया, चूहिया घुस गई बेड के अंदर, सबके कतरे कतरे उड़ा दिए। ये देखो क्या हल मचा दिया, कागज पिन्नी कपड़े। अभी देखो इस साल तो ना हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये देखो ये दिख रहा है, ये काट दिया, नए खेस थे ये मैंने रख रखे थे, ये देखो ये काट दिए, ये मैंने रख रखे थे कि मैं इनके ये करूँगी, इनको ना इनके जो फर होते हैं ना इनको बनाऊँगी। तो इनका तो टाइम मुझे लगा नहीं, और चूहिया ने घुस के बेड के अंदर ये हल कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि कामयाब कैसे होंगे, डांट लगेगी बहुत तकड़ी वाली, कहेंगे इतना नुकसान करवा दे, पर मेरे बस में थोड़ा ही ना, ये चूहिया मैंने थोड़ा ना घुसाई है, चूहिया तो घुस गई तो घुस गई। ये देखो क्या हल मचा हुआ है, नया खेस था ये, दो खेस हैं जोड़ा था ये, अब ये आपस में जुड़े हुए हैं, कटे भी नहीं हैं आपस में से, एक साथ जुड़े हुए हैं ये, कटे भी नहीं हैं, और चूहिया ने इनका एक हल मचा दिया। अब देखती हूँ इनका क्या करूँगी मैं, समझ में नहीं आ रहा है। इनको एक साइड रख देती हूँ उठा के, अच्छे से दोनों साइड होल कर दिए, आर पार कर दिया, तो जी ये देखिएगा जो चूहों ने मचाया, काट मचाई है जो मेरे बेड में, ये देखो कितने कपड़े बर्बाद कर दिए, कितना टाइम हो गया मेरे को। ये स्वेटर मेरे तंशु का है, छोटे से का, ये आई कार्ड मेरे तंशु का है, छोटे से का, एक स्वेटर ये है मेरे तंशु का, ये मंकी कैप है, ये तंशु का मंकी कैप, ठीक, ये तंशु की बेल्ट, ये देखो ये तंशु की टाई, एक स्वेटर ये है, ये मेरी जानवी की स्कर्ट, देखो जानवी की स्कर्ट है ये, फिफ्थ क्लास की, फिफ्थ क्लास में थी तब की स्कर्ट है ये, ये देखो ये रही। ये टॉप है, छोटे छोटे बच्चों के ना कपड़े, ये टॉप है छोटा सा, छोटा सा प्यारा सा, छोटी छोटी बाजू,
तो चलो ये कूड़ा कबाड़ा मैं निकाल के फेंक दूं। ये देखो क्या हाल मच रहा है। और ये जो है, ये है सूट, मेरी जानवी का छोटा सा सूट, ये देखो। बड़ा शौक चढ़ा था उसको जब छोटी सी थी ना, सूट पहनने का ही लटका ने थोड़े दिन पहना था बस। ये रहा चुटकू सा सूट है। ये स्वेटर, एक स्वेटर ये रहा तंशु का। ये सॉक्स है, चूहे ने बुरा हाल कर दिया है। ये सॉक्स है, एक टाई ये है, ये ऋतिक की टाई है, ये तंशु की है। रात को 11 बजे देंगे खाने वाले हैं। अभी 11 बजे हैं, साढ़े 10 हो रहे हैं। अभी तक काम कर रही थी, पता है कितना काम करा है अकेली ने, पूरा बेड फैला दिया है डब्बी के। डब्बी परे हट जा, बहुत मारूंगी तेरे को मैं। चुईया ने इतना बुरा नुकसान कर दिया, बस पूछे मत। पहले दीमक ने और अब की बार चुईया ने दाहल कर दिया सारे कपड़ों का। मैं सोच रही थी मेरे को तुझे लगा लू, तेरा बच गया तू है ना। इधर जो इधर वाली साइड बची है ना, वो तू करवाएगा, साफ से करवाना बेटा। तो जी अब आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने सब्जी में छौंक लगा दिया है। पहले आई सब्जी को वॉश किया, कट किया। अब यहाँ पे कढ़ाई रखने के बाद में छौंक तैयार हो गया है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी। वो ये बिल्कुल सिंपल वे में बना रही हूँ, सिंपल वे में भिंडी बना के बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी लगती है। बेसिक मसाले डालेंगे इसके अंदर। तो भिंडी तो कई तरह से बनाई जाती है, बट हमारे घर में ज़्यादातर सिंपल तरीके से खाते हैं, भरवा भिंडी हमारे यहाँ खाते नहीं है, तो इसलिए मैं ये सिंपल भिंडी बना रही हूँ। ऋतिक की डिमांड हो रही थी, कह रहा था मम्मी आज भिंडी बना दो। मैंने कहा चलो भाई भिंडी बना देती हूँ, थक रही हूँ बुरी तरह से। सब्जी बना के आटा गूंथ दिया है मैंने, रोटी बना के किचन का काम ख़त्म करके तभी रूम में जाऊँगी। आज बुरी तरह से थक गई हूँ। ट्रैक सूट लेने के लिए मैंने बेड खोला था, और बेड में पूरा फैला हुआ मिला मुझे, संभालना मुश्किल हो गया। कमर टूट गई बिल्कुल बुरी तरह से, और छोटी छोटी चीज़ें निकल रही थी, पुरानी पुरानी चीज़ें, तो मज़ा भी आ रहा था निकाल के देखने में। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी गैस स्टोव भी मैंने साफ़ कर दिया है साथ के साथ, क्योंकि सब्जी मैं बना रही हूँ तो थोड़े थोड़े ना पार्टिकल्स गिर गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के बहुत काम आ जाए मेरी वीडियो। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।